हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे सभी शिक्षक मित्रों और बायोलॉजी के छात्र छात्राओं। हम लोग पिछले 4-5 सेशन से इम्यूनोलॉजी जैसा एक नया सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। विशेष रूप से अभी जब हम सभी कोरोना महामारी से पीड़ित अपने अपने घरों में हैं, हमारी ये जिज्ञासा होती रही है कि हम रोगों से कैसे लड़ते हैं। तो पहले सेशन में मैंने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के विषय में समझाया था कि हमारे शरीर की बनावट और जनरल फिजियोलॉजी के द्वारा सामान्य रूप से कैसे विभिन्न इन्फेक्शंस को शरीर में आने से रोका जाता है और अगर आ जाए तो उसे कैसे नष्ट किया जाता है। उसके बाद मैंने वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेज की चर्चा की थी। वायरस और वायरस की बनावट, वायरल डिजीजेज पर 2 सेशंस हमने रखा था, बैक्टीरिया पर सिर्फ 1 सेशन रखा गया था, क्योंकि हम रोगों को जब जानेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा बॉडी किस रोग से कितना पीड़ित हो सकता है, किस बीमारी की ससेप्टिबिलिटी, संक्रमण की क्षमता कितनी है। और तब पिछले सेशन में मैंने अपने इम्यून सिस्टम के अंगों और सेल्स की चर्चा किया था। हमारी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसे उत्पन्न करने वाले सिस्टम का नाम हो गया इम्यून सिस्टम, और वहां हमने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के 3 प्रकार टीएच, टीसी और नेचुरल किलर सेल्स की चर्चा किया था, उनकी पहचानने का क्या तरीका है और वह कैसे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर काम करते हैं। तो आप पिछले सेशन को इस सेशन से मिलाकर जब पढ़ेंगे तो आपको बातों की समझ बेहतर विकसित होगी। इस सेशन में हम लोग सिर्फ एंटीबॉडी की बनावट और उसकी क्रिया की बात करेंगे, एंटीबॉडी कैसे बना है और हमारे शरीर में वह कैसे काम करता है। तो जस्ट एक रिवीजन के तौर पर मैं फिर से बता दूं कि सामान्य रूप से वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन होने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल पार्टिकल्स आते हैं जो हमारे शरीर के सिस्टम से, टिश्यू से, ब्लड से रिएक्ट करते हैं, इन्हीं को एंटीजन कहा जाता है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि लिपिड, डीएनए, आरएनए और ग्लूकोज का होमोपॉलीमर एंटीजेनिक नहीं है, लेकिन ग्लूकोज का हेटरोपॉलीमर हो या कोई अनजान सा पॉलीपेप्टाइड हो जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के संपर्क में पहले कभी नहीं आया है तो वह एंटीजेनिक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त ऐसे कंपाउंड हैं, वे भी हमारे बॉडी से रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे प्लांट के स्पोर्स हैं, इंसेक्ट के बॉडी का हेयर्स है, आप लोग हेयरी मोथ, भुआ पिल्लू का नाम सुने हैं, एलर्जिक प्लांट में आप खुरकुसी जैसे प्लांट का नाम सुने हैं, जैसे टच करता है कि तुरंत जलन होने लगता है, तो ये एलर्जन है, ये एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न करने वाले हैं। एलर्जिक रिएक्शन मतलब लहर, जलन, चकत्ता बन जाना, लाल पैच बन जाना,
बड़ी परेशानी उत्पन्न करने वाला है। अधिकांश फंगस एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न कराते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो वायरस और बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले पॉलीपेप्टाइड्स हैं वह हमारे इम्यून सिस्टम को जागृत कराते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इम्यूनोजेन। तो हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर, यानी एक विशेष तरह का प्रोटीन बनाकर उस एंटीजन से लड़ता है, उसको निष्क्रिय करता है, और फिर उस एंटीजन को बनाने वाले जर्म वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता करता है। अब ये एंटीबॉडीज होते कैसे हैं, एंटीजन के खिलाफ जो बना एंटीबॉडी वो होते कैसे हैं, तो इस पर रिसर्च शुरू किया। सबसे पहले 1950 के दौरान, 54-55 के दौरान, जो लगातार आज तक काम चलता ही रहा है, वो थे पोर्टर और इडेलमैन। उन्होंने IgM जो बड़ी मात्रा में हमारे अंदर पाया जाता है, उस IgM नाम के इम्यूनोग्लोबिन पर अपना रिसर्च शुरू किया। अब हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो घुलने वाले प्रोटीन्स हैं, आमतौर से हम उनको ग्लोबिन फैमिली के मेंबर्स मानते हैं। यह ग्लोबिन एक गाढ़ा लसलसा सॉल्यूशन बना लेता है, डिस्पर्स हो जाता है, उसी के कारण हमारा ब्लड प्लाज्मा विस्कस होता है। तो एक खरगोश लिया गया, हेल्दी कंडीशन में उसे रखा गया जिससे कि उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन ना हो। अब उस खरगोश का ब्लड निकाल कर उसे जमने दिया गया। ऊपर का पानी को कहते हैं ब्लड सीरम। तो उस सीरम को लेकर पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते समय हमने DNA आइसोलेशन की चर्चा किया था, वहाँ पर पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी हमने चर्चा किया था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद 3 मेजरमेंट्स बने जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया गया। अब तीनों का डेंसिटोमेट्री के द्वारा आप पीक देख सकते हैं। ऐसे मान लिया स्टेबल लाइन होता तो मान लिया कि आप देखिएगा डेंसिटोमेट्री में तो इस तरह का ये वेव बनेगा। तो ये 3 वेव बने, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, एक गामा हो गया। अब उस खरगोश को स्ट्रेप्टोकॉक्साई बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया गया। उसके स्किन पर यह बैक्टीरिया घाव उत्पन्न करता है। तो घाव उत्पन्न होने के 2-4 दिन के बाद फिर उसका ब्लड निकाला गया और दोबारा उसके प्लाज्मा ग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया। तो इन दो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो गामा फ्रैक्शन था उसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी जो एंटीबॉडी बने वह इसी गामा ग्लोबिन के मेंबर है, इसीलिए गामा फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन हाई हो गया, बढ़ गया। अब इसे आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करके उन्होंने इस प्रोटीन पर, यह एक विशेष केमिकल का नाम नीचे लिखा हुआ है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल के साथ अगर 60-70 डिग्री पर हम किसी प्रोटीन को रखते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ इम्यूनोग्लोबिन होगा तो एक का एक ही बैंड रह जाएगा, लेकिन अगर दो पॉलीपेप्टाइड है तो दो अलग अलग लेंथ या सीक्वेंस वाले पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे। तो उन्होंने पाया कि एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, दो प्रकार का फ्रैक्शन फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही जांच की जाएगी। तो दो तरह का प्रोटीन फ्रैक्शन मिला, एक हैवी चेन जिसका मोलेकुलर वेट
50,000 डाल्टन यानी कि 50 किलो डाल्टन है, और दूसरे का मॉलिकुलर वेट 25,000 डाल्टन यानी 25 किलो डाल्टन है। और इससे आपको स्पष्ट अनुमान लग रहा है कि 50 और 25 75 एक मॉलिक्यूल है तो 75 किलो डाल्टन, दो मॉलिक्यूल कंबाइन रहेंगे तो 150 किलो डाल्टन इसका वेट होना चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने पापाइन नाम के एंजाइम से इसको ट्रीट किया तो फिर दो हिस्से बन गए। जब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन किया गया तो फिर यह हिस्सा 2:1 आ गया, यानी कि एक हिस्सा में दोगुना भार वाला प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, और दूसरे में उसका आधा है। जो भारी वाला है उसको भी जब फिर बीटा मर्कप्टो इथेनॉल ट्रीट करेंगे तो वह लगभग बराबर बराबर दो फ्रैक्शन में टूट जाएगा। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि हैवी और लाइट चेन के दो दो मॉलिक्यूल इस इम्यूनोग्लोबिन के अंदर पाए जा रहे हैं। अब अमीनो टर्मिनल की ओर से हैवी चेन पर लाइट चेन जुटा हुआ है और उनके बीच एक जगह पर डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है, जिसके कारण दो आर्म बन रहा है, प्रत्येक आर्म में दो दो पॉलीपेप्टाइड लेंथ होगा, एक हिस्सा हैवी चेन का दूसरा लाइट चेन का, और दूसरे आर्म पर भी एक हिस्सा हैवी चेन का दूसरा लाइट चेन का। बाकी जो लाइट चेन हैवी चेन का हिस्सा है कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर, वह दो तीन या चार पांच जगहों पर डाइसल्फाइड ब्रिज बनाकर आपस में जुटे हुए हैं और एक एस्टेम जैसी रचना बनाते हैं। अब जब एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन करता है तो ऊपर में फॉर्क जैसा बना हुआ, आप मान लीजिए कि वाई है, तो वाई के ऊपर जहां दो ब्रांच हुआ वो हो गया फॉर्क और उसके नीचे उसका एस्टेम हो गया, तो उसी बायफर्केशन के बीच में एंटीजन जाकर रिएक्ट करता है। तो ऊपर वाला हिस्सा एंटीजन बाइंडिंग पार्ट है और नीचे स्टेम का कोई और बायोलॉजिकल फंक्शन है, अन्य बायोलॉजिकल फंक्शन है। तो एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी सिर्फ फॉर्क रीजन में है। जब पापाइन एंजाइम की मदद से फॉर्क को अलग और स्टेम को अलग कर दिया जाता है तो फॉर्क वाले में अभी भी ब्रेकेज के बाद भी एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पाया जाता है। इस तरह से जो दो फ्रैक्शन बना, एक फॉर्क वाला तो उसका नाम रखे FAB एंटीजन बाइंडिंग फ्रैक्शन, और दूसरा जो स्टेम का हिस्सा है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, रवाकरण हो सकता है, तो इसका नाम रखा गया क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन यानी FCDJ। तो ऊपर FAB यानी फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग और नीचे क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन। अब डायग्राम के थ्रू इस बात को समझिए। आप देख रहे हैं यह आकृति एकदम वाई जैसी है, इसमें यह स्टेम हो गया, इस स्टेम में हैवी चेन, दो हैवी चेन यहाँ दिखलाया गया फिगर में ब्लू कलर से कि दो जगह पर डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुटे हुए हैं, और ऊपर अमीनो टर्मिनल की ओर हैवी चेन पर लाइट चेन जुटा हुआ है। यह सिर्फ एक ही जगह पर डाइसल्फाइड ब्रिज बना रहा है कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर। अब पापाइन इसी ब्रांचिंग पॉइंट को तोड़ता है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वह एंटीजन बाइंडिंग फ्रैक्शन हो गया और नीचे वाला क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन हुआ। अब आप इस फिगर में चार जगह पर हैवी चेन में दाया बाया दोनों तरफ और दो जगह पर लाइट चेन में लूप बना हुआ देखते हैं, गोल बना हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर चेन का दो हिस्सा डाइसल्फाइड के द्वारा अपने आप में जुट गया है, यानी यह इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। दो चेन के बीच रहे तो इंटर चेन, और एक ही चेन के अंदर लूप बन जाए तो कहेंगे इंट्रा चेन,
तो यह इंट्राचेन डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये पहला लूप है, चाहे वह हैवी चेन पर हो या लाइट चेन पर, इसका नाम रखा गया है VH और VL, यानी हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। और इस पर इस डायग्राम में तीन जगह पर अलग कलर रेडिश कलर से पेंट किया गया है और लिखा गया है लाइट चेन हाइपर वेरिएबल रीजन, दूसरी ओर इधर लिखा गया है हैवी चेन हाइपर वेरिएबल रीजन। आपके पास एक चाबी है, वह एक विशेष ताला के लिए है। तो चाबी की डंटी महत्वपूर्ण है या चाबी का दांत? तो ऑफ कोर्स वह दांत है। अब आप एक ही कंपनी एक ही ब्रांड के बने हुए दो तालों की चाबी का मिलान कीजिए तो आपको कई जगह पर समानता मिलेगी, लेकिन एक या दो पॉइंट ऐसा होता है जहां पर दोनों तालों की चाबी में माइनर सा अंतर है, लेकिन उसी माइनर डिफरेंस के कारण एक ताला खुलता है दूसरा नहीं, जिससे दूसरा खुलता है उससे पहला नहीं। तो समझिए वही माइनर डिफरेंस उत्पन्न कराने वाला यह हिस्सा है हाइपर वेरिएबल रीजन ऑन द लाइट एंड हैवी चेन्स। और बाकी में लिखा हुआ है CH1, CH2, CH3, यानी कांस्टेंट रीजन ऑन हैवी चेन 1, 2, 3। और दूसरी ओर छोटे चेन पर लिखा हुआ है CL, उसमें एक ही कांस्टेंट रीजन है इसलिए नंबर नहीं दिया गया, सीधे लिख दिया गया कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। अब असली में जो प्रोटीन का मॉडल है, प्रोटीन की जो बनावट है, उसकी लपेटन है, वो ये है। ये एक आर्म हो गया और ये दूसरा आर्म हो गया, ये एंगल बदलता है, ये सीधा खड़ा भी हो सकता है। ऐसे बनाइएगा तब तो ये टी सेप्ट हो जाएगा, तो ये टी सेप्ट नहीं, ये वाई सेप्ट होता है। और इसी बीच में यहाँ पर एंटीजन दो तरफा पकड़ा जाता है, जैसे आप आसमान के तरफ से गिरते हुए बॉल को पकड़ते हैं, तो क्रिकेट का बॉल है तो दोनों तलहथी को आप क्लोज करके बॉल पकड़ते हैं, अगर ये फुटबॉल का बॉल होता तो आप दोनों तलहथी को फैला कर पकड़ते। तो उसी हिसाब से एंटीजन के आकार के हिसाब से ये फॉर्क वाले का एंगल बदलता है। और नीचे का जो ब्लू कलर से बनाया हुआ ये सब हिस्सा है, यहाँ लिखा हुआ CH2, CH3, तो ये स्टेम वाला पार्ट है जो कि FC रीजन, यानी कि फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल फ्रैक्शन है। अब लाइट चेन को अलग से समझें, तो आगे का 100 से लेके 110 अमीनो एसिड वाला हिस्सा है अलग अलग एंटीबॉडी में, इसमें अमीनो एसिड की थोड़ी सजावट में फर्क होता है, इसलिए नाम रखे वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और जहां अंतर नहीं है उसको बोले कांस्टेंट रीजन। तो अमीनो टर्मिनल की ओर हो गया वेरिएबल रीजन, और लाइट चेन के नीचे वाला हिस्सा यानी कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर हो गया कांस्टेंट रीजन। अब विभिन्न एंटीबॉडीज को देखेंगे तो मालूम होगा कि लाइट चेन का दो प्रकार है, एक का नाम रखा गया कप्पा और दूसरे का नाम रखा गया लैम्डा। तो किसी एक एंटीबॉडी में या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा, कभी भी कप्पा और लैम्डा दोनों एक साथ नहीं होगा। इसी तरह हैवी चेन में भी जो आगे का 100 से 110 अमीनो एसिड है उसमें भी वेरिएशन है, तो वेरिएबल रीजन हो गया, और उस पर भी एक हाइपर वेरिएबल रीजन है। और कार्बोक्सिल टर्मिनल की ओर ऑलमोस्ट एक से ऐसी रचना वाला कांस्टेंट रचना वाला है, तो उसका नाम रख दिया कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन में अमीनो एसिड की सजावट कांस्टेंट रहती है, 1-2% का अंतर होता है, लेकिन वेरिएबल रीजन में सजावट का अंतर 15-20% तक होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है।
अब जो हैप्पी चेन होते हैं उसका पांच प्रकार है, पांच क्लास है। लाइट चेन में दो था, कप्पा और लैम्ब्डा, लेकिन हैप्पी चेन में पांच है, अल्फा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और म्यू। अल्फा को ए, गामा को जी, डेल्टा को डी, एप्सिलॉन को ई और म्यू को एम कह सकते हैं। तो इस तरह से पांच क्लास के एंटीबॉडी बने, जिनको हम IgA, IgG, IgD, IgE और IgM नाम रखें। याद रखने के लिए आप DAG एक साथ कर लीजिए, डैग हो गया, और ME दूसरे तरफ कर लीजिए तो मी हो गया। कोई फायदा नहीं है इस तरह का एब्रीविएशन में। विभिन्न कोचिंग सेंटर आपको इस तरह से पढ़ाता है डैग मी। अब ये डैग मी पता नहीं क्या हुआ। हम लोग बातों को विस्तार से समझें, इस तरह शॉर्टकट से पढ़ना उचित नहीं है। अब एक एंटीबॉडी का अगर हैवी चेन है ए टाइप का तो IgA हो गया, और हैवी चेन अगर जी टाइप का है तो IgG कहलाएगा, डी टाइप है तो IgD, ई है तो IgE, एम है तो IgM। अब कांस्टेंट रीजन जो दोनों चेन होंगे, दोनों लाइट चेन हो या दोनों हैवी चेन हो, वो एक समान होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं आइसोटाइप, एक समान का, एक समानता वाला प्रकार। अब प्रत्येक में मान लिया कि IgA है, तो स्मॉल चेन जो लाइट चेन है वो लेमडा या कप्पा दोनों में कोई एक हो सकता है, तो दो सब क्लास बन गया, अल्फा टू कप्पा टू एक सब क्लास और अल्फा टू लेमडा टू दूसरा सब क्लास। इसी तरह अगर मान लिया IgG है, यहाँ देखिए IgG है, तो इसमें गामा टू कप्पा टू और गामा टू लैम्डा टू, इसमें भी दो प्रकार बन गया। इसी तरह से पांचों क्लास का दो दो सब क्लास बन गया। अब ये जो कांस्टेंट और हैवी रीजन है वो अपना एक विशेष तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। उन सब का अपना अपना अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो किसी भी पॉलीपेप्टाइड में जहाँ विशेष रचना विशेष बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं डोमेन, एक क्षेत्र, एक काम का क्षेत्र। तो इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर भी डोमेन बना, तो कांस्टेंट रीजन भी एक डोमेन बना और वेरिएबल रीजन भी एक डोमेन बना। अब वेरिएबल रीजन एक ही है, लेकिन कांस्टेंट रीजन स्मॉल चेन में, लाइट चेन में एक ही है, और हैवी चेन में कम से कम तीन, H1, H2, H3, और दो में यह चार कांस्टेंट रीजन होते हैं, एक चौथा भी होता है। यह निर्भर करेगा एंटीबॉडी के टाइप पर, जबकि वेरिएबल रीजन दोनों में एक एक ही है। अब वेरिएबल रीजन में जहां के 100 से लेके 110 अमीनो एसिड का लेंथ हमने डिस्कस किया, उसमें वेरिएशन हो रहा है, उसके अंदर तीन चार या पांच ऐसी जगह हैं जहाँ पर 6 से लेके 8 या 10 अमीनो एसिड तक बहुत ज़्यादा अंतर आता है, बहुत रिशफलिंग होता है। तो इसको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा कि दो अलग अलग ताले की चाबियां लगभग एक जैसी हैं, लेकिन एक दांत का, दो दांत का लंबाई में थोड़ा कम बेसी है जिसके कारण वह ताला खुलता है। तो ऐसे ही यहाँ बन गया यह हाइपर वेरिएबल रीजन। और जो कांस्टेंट रीजन है वो अतिरिक्त हो गया, बाकी हिस्सा जो हाइपर वेरिएबल के बाहर है वह भी अतिरिक्त हो गया। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द कम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन, CDRs। इस हाइपर वेरिएबल रीजन का एक दूसरा नाम हो गया CDR, कम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन, यानी यह रीजन
एंटीजन पर बने हुए केमिकल्स का एकदम कंप्लीमेंट्री होगा, एकदम उससे रिएक्ट करने वाला पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। तो कितना है इसका हिस्सा? तो मैंने कहा कि यह 15 से 20% है, टोटल डोमेन का 15 से 20% है, और बाकी हिस्सा कॉमन टाइप का है जिसको हम फ्रेमवर्क रीजन एफ आर्स कह रहे हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहां लिखा गया ब्लू में, द वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडीज लाइज इन दीज 6 हाइपर वेरिएबल रीजन्स ऑफ द एंटीजन बाइंडिंग फ्रैक्शन एफ ए बी। ये 6 नंबर कहाँ से आया? तो मैमल में भी और माइस में भी गिनकर 6 हाइपर वेरिएबल रीजन मिला। तो वही रिफरेंस यहाँ यूज हुआ है कि इसमें जो 6 हाइपर वेरिएबल रीजन है वही एंटीजन बाइंडिंग फ्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो एक विशेष एंटीजन को पहचानने में मदद करता है। तो एक एंटीजन के खिलाफ एक विशेष सजावट होगी, और अगर एंटीजन बदल जाए, दूसरा एंटीजन आ जाए, तो फिर यह सजावट बदल जाएगी। अब अगर एक एंटीजन के खिलाफ एक से अधिक प्रकार का एंटीबॉडी बनता है, IgM भी बनता है, IgG भी बनता है, तो एक एंटीजन है, एंटीबॉडी दो है, तो जैसे एक आपका ताला का साथ आया हुआ चाबी है और आप डुप्लीकेट बनवाने गए, तो डुप्लीकेट तो ओरिजिनल चाबी का एकदम डिटो कॉपी नहीं है, लेकिन फंक्शन में सेम है। तो वैसे ही दो अलग अलग ग्रुप का एंटीबॉडी बन गया, तो फंक्शन कहाँ होना है? तो एफ ए बी में, और एफ ए बी में कहाँ? तो हाइपर वेरिएबल रीजन में। तो एक एंटीजन के खिलाफ चाहे जो भी एंटीबॉडी बने, उसका हाइपर वेरिएबल रीजन एक समान होगा। इसमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस हो जाए तो उस एंटीजन को यह नहीं पहचानेगा, लेकिन किसी अन्य एंटीजन को पहचान लेगा। तो अलग अलग एंटीजन के लिए जो अलग अलग एंटीबॉडीज बनते हैं उनमें क्या फर्क है? तो उनमें हाइपर वेरिएबल रीजन का फर्क है। हर एक एंटीजन के लिए अपना अपना नया कम्बिनेशन हाइपर वेरिएबल रीजन में उत्पन्न होता है, और कांस्टेंट रीजन उसको एंटीजन से सीधा मतलब नहीं है, वो एंटीजन से कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो किसी सेल के सरफेस से बाउंड होने में मदद करता है, किसी सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद करता है, किसी एंजाइम सिस्टम को वह एक्टिवेट करता है, या पैथोजन को घेरने में, बांधने में, पकड़ने में मदद करता है। तो द कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन CL इज लिंक टू CH1 ऑफ द हैवी चेन बाय ए डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये क्या करता है? तो ये अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन में मदद करता है। अब देखिए, हमने यहाँ दो एंटीबॉडीज को अलग किया, IgM और IgE को। इनमें 4 कॉन्स्टेंट रीजन है, यानी कि चौथा CH4 होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ गई। अगर सेल की सरफेस पर यह जुटा हुआ मिलेगा तो यह लंबाई, बढ़ा हुआ लंबाई सेल के अंदर घुस जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, वहां वह सिग्नल ट्रांसडक्शन में मदद कर सकता है, न्यूक्लियस को सूचना देने में मदद कर सकता है, सेकेंड मैसेंजर बना सकता है। लेकिन IgA, IgD और IgG में 3 ही कॉन्स्टेंट रीजन है, लेकिन पहला और दूसरा कॉन्स्टेंट रीजन के बीच में एक हिंज ज्वाइंट है, प्रोलिन रिच है। प्रोलिन एक अमीनो एसिड का नाम है। इस प्रोलिन रिच रीजन में एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ जाता है, वह एंटीजन को पकड़ने में विभिन्न एंगल से मुड़ सकता है, तो यहां पर एक वेरिएबल रीजन बन जाता है। एट द हिंज द टू आर्म्स ऑफ द फॉर्क कैन मूव अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एंटीजन। जितना बड़ा एंटीजन उतनी उसी के हिसाब से साइज, छोटा एंटीजन के लिए छोटा एंगल, बड़ा एंटीजन के लिए बड़ा एंगल,
अगर बाइंडिंग साइट अपोजिट एंगल में है तो उसी हिसाब से ये ट्विस्ट कर जाएगा, सामने पर रहा तो बिना ट्विस्ट किए हुए ये सीधा सीधी जुट जाएगा। अब ये देखिए फर्क, यहाँ पर आई जी ए, आई जी डी और आई जी जी है, तीन कॉन्स्टेंट रीजन ब्लू से लिखा हुआ है, सी एच वन, सी एच टू, सी एच थ्री, और वन टू के बीच में है हिंज रीजन, जबकि आई जी ई और आई जी एम में चार कॉन्स्टेंट रीजन है, वन टू थ्री और फोर। तो ये फोर्थ कॉन्स्टेंट रीजन पहले के तीनों एंटीबॉडी में नहीं है और हिंज रीजन अंतिम दोनों एंटीबॉडी में नहीं है, ये एक फर्क है, तीन का एक ग्रुप और दो का दूसरा ग्रुप बन गया। अब ये करते क्या है, तो इनमें सबसे कम भार वाला आई जी जी है, ये जो पहला है आई जी जी, इसका भार सबसे कम है 150 किलो डाल्टन, एकदम टिपिकल, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 6 to 7, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में इसकी मात्रा 1000 यूनिट के लगभग है। आई जी जी उससे थोड़ा बड़ा है, ये ग्रुप या बंच भी बनाता है, इसलिए रेंज बढ़ा दिया गया 160 से लेकर 400 किलो डाल्टन, और इसकी मात्रा कम है 200 यूनिट है सिर्फ, यानी इन्फेक्शन में यह कम काम करता है, जबकि आईजीएम 1200 यूनिट है और इसका भार 900 किलो डाल्टन, सेडिमेंटेशन रेट 19, सीधा सा मतलब है कि 4-5 यूनिट एंटीबॉडीज का यह ग्रुप बन रहा है, काफी बड़ा ग्रुप बन रहा है। अब जो सबसे छोटा है आईजीजी, वह माँ के ब्लड से प्लेसेंटा को पार कर बच्चे के अंदर जा सकता है। मेडिकल के लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा माँ से बच्चे में डिफ्यूज करके जाता है, तो कहेंगे आईजीजी है। बैक्टीरिया के खिलाफ सबसे अधिक आईजीएम काम करता है, ट्रिपल प्लस साइन दिए हैं, और वायरस के खिलाफ सबसे अधिक आईजीए काम करता है, जबकि इसका सिक्रेशन कम हुआ। तो वायरल वायरस के अगेंस्ट आईजीए सिक्रेशन कम होता है, यही कारण है कि वायरल इन्फेक्शन तुरंत ठीक करना मुश्किल होता है, वह ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, यानी कोरोना हो, सार्स वन हो, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, ये सब ऐसे वायरसेज हैं जिनके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी उतनी मात्रा में नहीं बना पाता है जितनी मात्रा में कि आईजीएम बनता है, और वायरस के खिलाफ वह कम एक्टिव है, लेकिन बैक्टीरिया के खिलाफ वह काफ़ी एक्टिव है। तो आप पांचों का गुणधर्म समझ गए, यह जो डी और ई है अंतिम दोनों न तो प्लेसेंटा के पार करता है और न तो सीधे वह बैक्टीरिया और वायरस की क्रिया में वायरस के खिलाफ काम करता है, उसका सिक्रीशन ही बहुत कम हो रहा है, कितना है 3 यूनिट आईजीडी का और 0.5 यूनिट आईजीई का, तो प्लाज्मा में ये सिक्रेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो जा कहाँ रहा। तो ये टी सेल के साथ बाउंड होते हैं, वो ब्लड प्लाज्मा में नहीं आते हैं, ब्लड प्लाज्मा में यही पहला तीन ग्रुप आईजीजी, आईजीए और आईजीएम पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे दो तरह का एंटीबॉडीज है, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वे अपने द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज को ब्लड प्लाज्मा में रिलीज करते हैं, इसलिए जब तक इन्फेक्शन रहता है बी लिम्फोसाइट उसको रिलीज करते रहते हैं, तो इस एंटीबॉडी को हम बोले सिक्रेटरी एंटीबॉडी या ह्यूमरल एंटीबॉडी। जब इन्फेक्शन सबसाइड कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे बी लिम्फोसाइट की संख्या भी घटने लगेगी, एंटीबॉडी की मात्रा भी घटने लगेगी और वह नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब जो टी लिम्फोसाइट है वे जब एंटीबॉडी बनाते हैं तो या तो वह सेल की सतह पर चिपका लेते हैं या वह सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही रखे रहते हैं,
तो इसलिए यह सीक्रेट नहीं हुआ, तो इसको नॉन सीक्रेटरी या नॉन ह्यूमरल एंटीबॉडीज कहें। तो आईजीडी और आईजीई बहुत कम मात्रा में सीक्रेट हो रहा है क्योंकि यह नॉन ह्यूमरल या नॉन सीक्रेटरी है। अब इनमें से जो आईजीई है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि एलर्जिक रिएक्शन जब होता है, हे फीवर होता है, दमा यानी अस्थमा होता है, हाइप्स और एनाफाइलेटिक शॉक होता है, कोई और तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो आईजीई की मात्रा बढ़ती है। आईजीई ही उसके खिलाफ एक्टिव होता है जबकि ये सेल बाउंड है। दिस सिम्टम्स अकर व्हेन एन एंटीजन कॉम्प्लेक्सेज विद आईजीई व्हिच इज बाउंड टू मास्ट सेल्स। ये आईजीई कहाँ है? मास्ट सेल में। मास्ट सेल कहाँ है? कनेक्टिव टिश्यू में। आई जी ई बाइंड टू एफ सी रीजन, दैट इज क्रिस्टलाइजेबल रीजन ऑन द मास्ट सेल ऑफ बेसोफिल एंड कॉम्प्लेक्स विद द इन्फेक्शस एजेंट और एंटीजन, मेनली द एलर्जन। तो एलर्जिक रिएक्शन में मास्ट सेल की मदद से आई जी ई एक्टिवेट होते हैं, आई जी ई उसके खिलाफ काम करते हैं। और आप कहीं और पढ़िएगा कि ये मास्ट सेल्स हिस्टामिन नाम के केमिकल्स को भी रिलीज करते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाया करता है। और जब कोई सामान्य इन्फेक्शन होता है तो पहले आईजीएम रिलीज होता है और उसके बाद आईजीजी होता है। यही कारण है कि आईजीएम की मात्रा ज़्यादा है 1200 यूनिट और आईजीजी की मात्रा कम है 1000 यूनिट। पहले आईजीएम रिलीज होगा फिर आईजीजी रिलीज। द ह्यूमरल रिस्पॉन्सेज हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। सेल के बाहर जो पैथोजन है, ब्लड में जो फ्रीली घूम रहा है वह पैथोजन, बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एक एंटीजन के ऊपर एक डिटर्मिनेंट, दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा डिटर्मिनेंट हो सकता है जिसको एपिटोप्स कहते हैं। इन सभी के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनने लगे तो उस एंटीजन को समाप्त करने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पिछले सेशन में हम चर्चा कर चुके हैं कि मोनोक्लोनल एंटीजन एंटीबॉडी एक ही एंटीजन के एक ही एपिटोप को पहचाना, और पॉलीक्लोनल दूसरे तीसरे चौथे को भी पहचान सकता है, तो वह जल्दी जल्दी एंटीजन को समाप्त करने में मदद करता है। अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं? तो वे हमारे ब्लड प्लाज्मा में लगभग 20 प्रकार के ऐसे प्रोटीन हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कंप्लीमेंट फैक्टर्स। उनकी मदद से ब्लड प्लाज्मा के अंदर पैथोजन को वो नष्ट करते हैं। आप अलग से इसको कभी पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके लेवल पर ये सारी बातें नहीं आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट या मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट या मेडिकल के स्टूडेंट्स ब्लड कंप्लीमेंट फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। दो अलग अलग कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, दो अलग अलग सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसकी मदद से ये एलर्जन को और एंटीजन को नष्ट किया करते हैं। एंटीबॉडी बाइंड टू पैथोजेंस एंड ब्रिंग अबाउट ऑप्शोनाइजेशन एंड फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस मेडिएटेड थ्रू द एफसी रिसेप्टर्स ऑन फैगोसाइटिक सेल। थोड़ा भारी सेंटेंस है। ऑप्सोनिन एक विशेष तरह का प्रोटीन है, वह निकलकर जो पैथोजेनिक सेल होते हैं जिनसे एंटीजन रिलीज हो रहा है उसके ऊपर एक खोल बना लेता है, कोट बना लेता है, घेर लेता है। अब इसके बाद जो फैगोसाइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, वह उस पैथोजन को खा जाता है, उसका एंडोसाइटोसिस कर लेता है, फूड का फूड वैक्यूल बना के ले लेता है अंदर में, और तब इसको पूरे का पूरे लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से और
ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से, जिसको कि पेरोक्सीडेज पेरोक्सीसोम नाम का एक अलग वेसिकल कैरी करता है, तो लाइसोसोमल एंजाइम और पर ऑक्सीडेज की मदद से उसको नष्ट कर देता है। ऑप्सोनिन इज ए सब्सटांस दैट फैसिलिटेट्स फैगोसाइटोसिस बाय कोटिंग फॉरेन पार्टिकल्स। तो जैसे कि आप एकदम तीखा गंदा निगलने लायक नहीं है ऐसी कोई दवाई लेते हैं, वोमिटिंग हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। अब उसको शुगर कोटिंग कर दिया गया या कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया गया तो आप आराम से उसे निगल लेते हैं। ठीक वैसे ही एंटीजन के तारों ओर से ऑप्सोनिन नामक पदार्थ कोट बना लेता है, और कोट बनाने के बाद जिसको कहे ऑप्सोनाइजेशन, तो कोट बनाने के बाद न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स इसको निगल सकते हैं, फैगोसाइटिक सेल प्लाज्मा सेल्स इसको निगल सकते हैं, मैक्रोफाजेज निगल सकते हैं। अब इसकी मदद से ये मार दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। तो एंटीबॉडीज फैसिलिटेट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो टी सी सेल्स, खासकर टी सी सेल्स, सी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को ये मदद कर रहे हैं। एंटीबॉडीज बाइंड टू वायरसेज एंड प्रिवेंट फ्रॉम प्रोलीफरेशन। अगर एंटीबॉडी वायरस में चिपक जाए, उसको घेर ले, बांध ले, तो फिर वायरस का रिप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन रुक जाता है, वायरस की संख्या नहीं बढ़ सकती। तो इस तरह आप पिछले दो सेशन में, यानी कि 10 ऑर्गन्स एंड सेल्स, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे। लाख कठिनाई और भारी भरकम टॉपिक होने के बाद आप अगर दो तीन बार इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा कि किस तरह हमारा बॉडी अपना डिफेंस तैयार करता है और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कोई अभागा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ही होता है जो किसी इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, तो ऐसा ही व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है HIV इन्फेक्शन में। एंटीजन को पहचानने की क्षमता, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता नष्ट होने लगती है, जिसके कारण वो बार बार अलग अलग बीमारियों से पीड़ित रहता है। तो इसके साथ आपके लिए जो आवश्यक है, इम्यूनोलॉजी का अधिकांश हिस्सा समाप्त होता है, लेकिन हम लोग एक विशेष वायरस HIV भी पढ़ेंगे। HIV कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे उसका प्रोलिफरेशन करता है, आगे सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।